हेलो बॉडीज, कैसे हैं आप सब? सर्दी, सरदर्द, कमर दर्द दूर भगाएं बिना चीनी के ये हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनाएं। जी हाँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एनर्जी बूस्टर बॉल्स की रेसिपी। ये बहुत ही किफ़ायती होते हैं। सरदर्द, कमर दर्द, जो जॉइंट के पेन होते हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ में ये हमारे दिमाग को भी तेज़ करते हैं। और हम जैसे डायरेक्ट फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हम इस तरह से एनर्जी बॉल बनाकर रख सकते हैं। सुबह और शाम दूध के साथ आप इनको ले सकते हो। तो यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिनको मैंने बारी बारी पैन में घी डालकर फ्राई कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स मैंने आलमंड्स, काजू, किशमिश, अखरोट और 4 से 5 इलायची लिए हैं। ये इलायची फ्लेवर के लिए हैं। कोकोनट को मैंने कसकर इसको भी फ्राई कर लिया है। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने एक सेपरेट बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स को जार में डालकर दरदरा पीस लें। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इनको दरदरा पीसना है। बारी बारी सारे ड्राई फ्रूट्स को पीसने के बाद आपने इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। कुछ ड्राई फ्रूट्स यहाँ मैं काट कर भी डाल रही हूँ, ताकि बॉल्स दिखने में भी अच्छी लगें। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वांटिटी आपने कितनी कितनी लेनी है डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें। आप पैन में दोबारा घी ऐड कर, यहाँ मैंने शक्कर यानी कि पिसा हुआ गुड़ डाल दिया है। इसको भी हम मेल्ट कर लेंगे। इस टाइम पर कुछ लोग यहाँ पानी ऐड करते हैं इसको एक लिक्विड बनाने के लिए, बट मैंने यहाँ पानी टोटली अवॉइड किया है। पानी की जगह मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप पानी डालकर भी इस मिक्सचर को थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इनके हाथों की मदद से लड्डू बनाएं। लड्डू अपने आप इजीली बन जाएंगे। आप चाहें तो हाथों को ऑयल से ग्रीस भी कर सकते हैं। मैंने जो लड्डू बनाए थे उसमें से थोड़ा सा पाउडर बचाकर अलग रख लिया है। इस पाउडर का इस्तेमाल आप सुबह शाम दूध में एक एक चम्मच डालकर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आधा ये मिक्सचर रखा है और आधे के लड्डू बनाए। खाए खिलाएं, खुश रहें। चैनल पर नए तो